स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम रेसिस्टेंस ग्रुपिंग के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तीन क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ती है, तो आप केयरफुली इस क्वेश्चन को समझें। द क्वेश्चन नंबर वन इज हियर, द रेसिस्टेंस ऑफ ऑल द वायर्स बिटवीन एनी टू एडजेसेंट डॉट इज आर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ये आपको एक स्टार सा प्रॉब्लम आपको दे रखा है, स्टार बना के आपको पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपको ए और बी के अक्रॉस जो नेट रेसिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है। ए पॉइंट बी पॉइंट आप देख रहे हैं और जो ईच सेगमेंट इसका है वो रेसिस्टेंस आपको आर गिवन है। इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली अगर हम देखें, आपको गिवन है कि रेसिस्टेंस कितना है, आर है। इट इज मेंशन इन द प्रॉब्लम, रेसिस्टेंस भी कितना है, आर है। इस क्वेश्चन को अगर हम डील करते हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जितना करंट हम यहां से पास करवाएंगे, सिमेट्रिकली हम अच्छी तरह जानते हैं कि जितना करंट यहां से पास होगा आई, वही करंट डेफिनेटली यहां इस एंड बी से बाहर निकलना चाहिए। ये हमारी कंडीशन होती है। अब जैसे ही ये करंट आई यहां एंटर करेगा, जो आप ये समझ रहे हैं इस बात को कि ये करंट आई यहां पे ए पे एंटर करेगा, ये करंट दो जगह डिवाइड हो जाएगा, तो डेफिनेटली कुछ करंट इस साइड जाएगा, कुछ करंट इस साइड जाएगा। अब जैसे ही ये करंट यहां से डिवाइड होकर दोनों पार्ट्स में जाएगा, ये करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इट मींस यहां जो करंट जाएगा इट विल बी डेफिनेटली आई बाई टू, और यहां भी कितना आ जाएगा, आई बाई टू आ जाएगा। इन दिस वे अगर हम बहुत केयरफुली समझें तो जो ए सी हमारे पास वायर है और जो ए डी वायर है, तो इसके अक्रॉस जो पी डी आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो इक्वल आ जाएगा। आप ये समझ सकते हैं कि वी ए सी विल बी इक्वल टू वी ऑफ ए डी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा, आई आर होता है ना, तो आई कितना हमारे पास, आई बाई टू है, और रेसिस्टेंस कितना है, आर है, तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो पॉइंट सी है और पॉइंट डी है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट सी बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी, ये दोनों एक ही पोटेंशियल पे आ जाएंगे। और इन दिस वे जो सी डी होगा वो रेसिस्टेंस यूजलेस हो जाएगा, देयर इज नो करंट थ्रू दिस रेसिस्टेंस सी डी, सी डी में कोई करंट पास नहीं होगी। इस बात को हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं यहां पे आपको हिंट देता हूं, ये रेसिस्टेंस आ गया, ये रेसिस्टेंस हमारे पास आ गया। लेट हमने अज्यूम कर लिया कि यहां पे जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। अब जैसे यहां से करंट आएगी तो जो करंट यहां पास होगी वही करंट यहां पास होगी। ये रेसिस्टेंस कितना हमारे पास, लेट इट बी, ये रेसिस्टेंस हमारे पास आर है, ये रेसिस्टेंस भी कितना, ये रेसिस्टेंस भी कितना हमारे पास, आर है। अब इसमें जो करंट आई है, लेट इट बी, इसमें करंट आ गई 2 एम्पीयर करंट इस पे आ गई, तो यहां भी कितने करंट आएगी, डेफिनेटली 2 एम्पीयर करंट आएगी। अब इस 2 एम्पीयर करंट की वजह से यहां पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, लेट इट बी, हमने सॉल्व करके एक अजम्पशन में ले रहा हूं, लेट इट बी 4 वोल्टेज है, यहां पे 4 वोल्ट का पीडी आ गया है, यहां पर भी कितने का आ गया, 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर आ गया है। अब यहां 10 वोल्ट हमारे पास था, इसका मतलब जो ये पॉइंट सी होगा, इस पॉइंट सी पे वोल्टेज कितनी होगी, यहां पे 10 थी, 4 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, यहां पे 6 वोल्ट आ जाएगा। एज वेल एज 10 वोल्ट था, 4 वोल्ट का यहां पे ड्रॉप आ गया, इसका मतलब जो पॉइंट डी है, यहां पे 10 वोल्ट में से 4 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो यहां कितना बचेगा, 6 वोल्ट बचेगा। इसका मतलब जो पॉइंट सी और डी है, ये दोनों किस पे आ गए हैं, सेम पोटेंशियल पे आ गए हैं, इसमें कोई करंट पास नहीं होगी, और इसमें कोई करंट पास नहीं होगा, इसमें करंट जीरो होगा, तो ये जो रेसिस्टेंस सी डी है, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। इन दिस वे हम अपनी प्रॉब्लम में इस रेसिस्टेंस सी डी को, जो पोर्सन सी डी है, दिस पोर्सन सी डी कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम यहां से नेग्लेक्ट कर देंगे। दिस वन मैंने इसको सिमेट्रिकली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और जो दो पार्ट्स मेरे पास बने हुए हैं उनको मैंने यहाँ पे एक पार्ट को रेड कलर से शो कर दिया है, और दूसरे पार्ट को लेफ्ट साइड वाले पार्ट को ब्लैक कलर से शो कर दिया है। इट मींस जैसा पार्ट लेफ्ट साइड का है, जो रेसिस्टेंस लेफ्ट साइड वाले पार्ट का होगा, एग्जैक्टली वही रेसिस्टेंस राइट साइड वाले पार्ट का होगा, और दोनों रेसिस्टेंस फिर पैरेलल में आ जाएंगे। अब हम लेफ्ट साइड वाले पार्ट को अगर बहुत केयरफुली देखते हैं, दिस रेसिस्टेंस इज आर, इट इज आर हियर, इट इज आर हियर, ये भी हमारे पास आर है, एज वेल एज ये रेसिस्टेंस भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये जो दोनों रेसिस्टेंस है, ये आर आर, ये दोनों रेसिस्टेंस किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, यहां से सीरीज में आ जाएंगे, दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे यहां से। एज वेल एज ये जो दोनों रेसिस्टेंस है, ये दोनों किस में आ जाएंगे, दिस टू विल बी इन अगेन सीरीज, ये भी सीरीज में आ जाएंगे। इस तरह से जो सिचुएशन आएगी, अगर मैं लेफ्ट साइड की सीरीज को ड्रॉ करता हूं, कि ये हमारे पास रेसिस्टेंस आर आ गया, और उसके बाद ये रेसिस्टेंस आर यहां से आ गया है, ये रेसिस्टेंस आर मैंने यहां ड्रॉ कर दिया है, इसके साथ साथ यहां जो रेसिस्टेंस बनेगा, ये वाला रेसिस्टेंस बनेगा एक, और दूसरा एक रेसिस्टेंस जो यहां बन रहा है हमारे पास, उसको मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट हियर, ये पॉइंट क्या हमारे पास, ए पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट सी पॉइंट मेरे पास है यहाँ पे, ओके। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एम इज हियर। अब यहाँ पे ए सी का रेसिस्टेंस कितना हमारे पास, आर है,
अब यहां से जब हम इधर से ले रहे हैं तो ये दोनों रेजिस्टेंस आर प्लस आर, ये दोनों किसमें आ गए, सीरीज में आ गए, ये कितना हो जाएगा, ये टू आर हो जाएगा। ये कितना बचेगा हमारे पास, ये आर ऑलरेडी हमारे पास है। फिर ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस वन इज, यहाँ से जो हम आ रहे हैं, दिस रेजिस्टेंस अगेन बिकम इक्वल टू टू आर, ये भी टू आर हो जाएगा सीरीज में है। ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर हम इसको बहुत केयरफुली सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, आप बहुत केयरफुली समझ सकते हैं। फिर तीन रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे हमारे पास, तो जो आर हमारे पास ऑलरेडी है, दिस रेजिस्टेंस बिकम टू आर बाई थ्री एंड एज वेल एज दिस बिकम अगेन टू आर बाई थ्री। अब तीनों रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में है, तो आर वन कितना आ जाएगा, इन दिस वे आर वन कम्स आउट टू बी आर प्लस टू आर बाई थ्री प्लस टू आर बाई थ्री। इन दिस वे जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा आर वन लेफ्ट साइड का हमारा, तो हम इस दिस सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम थ्री आ जाएगा इसका, इट बिकम हियर थ्री आर प्लस टू आर प्लस टू आर, कितना हो जाएगा, फोर आर आ जाएगा। दिस आर वन इज हियर, इट इज हियर सेवन आर बाई थ्री। सिमिलरली जो हमारे पास आर टू आएगा, राइट साइड का रेजिस्टेंस आर टू जो आएगा, वो भी कितना आ जाएगा, सेवन आर बाई थ्री आ जाएगा। इन दिस वे जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो पैरेलल में निकलेगा, तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस हम अच्छी तरह जानते हैं, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। यहाँ पर हम आर वन आर टू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आंसर कम्स आउट टू बी आर पी विल बी इक्वल टू सेवन आर बाई सिक्स। ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है और पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, उसका हाफ हो जाता है। तो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट मी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन resistance grouping, and here in this question it is given to you, each component in the infinite network shown in figure has resistance R, find the equivalent resistance between two adjacent points A and B। here in this problem aapko ek infinite pattern given hai aur is infinite pattern mein hame two adjacent points ke beech mein resistance calculate karna hai। let these two points are A and B, ye aapko mention hai problem mein, iske across hame net resistance nikalna hai। aise question ko solve karne ke liye हमें इस सर्किट में करंट को पास करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वोल्टेज को यहाँ से ऐड कर लिया है, लेट इट बी, यहाँ से मैंने एक वोल्टेज लगा दिया है, और जो वोल्टेज मैंने वी लगाया है, इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे इन दो पॉइंट्स ए और बी के अक्रॉस कुछ करंट पास हो जाएगी। अब जो करंट हमने यहाँ से पास करवाई है, ये करंट आई जैसे यहाँ पे एंटर करेगी, तो दो तीन पॉइंट्स हमने बहुत केयरफुली समझने हैं कि जितना करंट इस पॉइंट ए पे एंटर करेगा उतना ही करंट पॉइंट बी से बाहर निकलना चाहिए। यहां से पॉइंट बी से करंट आई भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकली जितना करंट सर्किट के अंदर एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। अब बहुत केयरफुली अगर हम देखते हैं, इस पॉइंट ए पे जो करंट एंटर कर रही है वो करंट सिमेट्रिकली सभी डायरेक्शंस में डिवाइड हो जाएगी। इट मीन्स इस पोर्सन में कुछ करंट जाएगी, इस पोर्सन में कुछ करंट जाएगी, इन सभी फोर पोर्सन हमारे पास है, वन टू थ्री एंड फोर, ये फोर में गिवन है। ये करंट आई डिवाइड होकर के यहाँ कितना हो जाएगा, डेफिनेटली आई बाई फोर हो जाएगा, एज वेल एज ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से आई बाई फोर यहाँ भी आ जाएगा, एज वेल एज इस डायरेक्शन में देखिए यहाँ भी आई बाई फोर आ जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा, आई बाई फोर आ जाएगा, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं करंट आई को इक्वली इसमें हम क्या कर दिया है, इक्वली हमने डिवाइड कर दिया है। अब पॉइंट बी पे अगर हम चेक करते हैं, इस पॉइंट बी पे करंट आई बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी पर भी जो फोर रेसिस्टेंस इससे कनेक्टेड है, इन फोर रेसिस्टेंस से इंडिविजुअल पार्ट से इसके अंदर करंट एंटर हो रही होगी, ये बात हमने समझनी है, क्योंकि यहां से करंट बाहर निकल रही है तो यहां पे करंट इसकी तरफ आ रही है, तो यहां ईच पार्ट से जो करंट आएगी वो भी कितनी आएगी, आई बाई फोर यहां से आएगी, आई बाई फोर यहां से आएगी, इन दिस वे यहां से भी आई बाई फोर आएगी जो मैं शो कर रहा हूं यहां से, और इस पोर्सन से भी आई बाई फोर करंट यहां से आएगी। तो हम एक बात को बड़ी केयरफुली समझना है, वो पॉइंट ये है कि जो ये ए और बी दो पॉइंट हमने सेलेक्ट कर रखे हैं और जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इनके बीच का आर है, ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया, और जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द सर्किट हमारे पास है, तो जितने करंट इस ए बी में पास होगी उस करंट की वैल्यू होगी हमारे पास आई बाई टू, ये पॉइंट हमें समझना है केयरफुली, और यहां से हमने वोल्टेज वी को यहां से ऐड कर रखा है। ये पॉइंट बहुत ध्यान से अगर हम समझेंगे तभी इस क्वेश्चन को हम समझ पाएंगे। यहां पे हमारे पास ये करंट आई बाई टू कैसे हो जाएगी, क्योंकि देखो आप ए बी में जो करंट आ रही है ए से बी तक अगर हम स्टडी करते हैं, तो ए से बी जब हमने पॉइंट ए को इसको रेफरेंस हम लेके चल रहे थे, ये पॉइंट ए मेरे पास है, ये बी मेरे पास है, तो यहां से जो ये करंट आई थी, यहां से करंट आई जब हमने इसके अंदर एंटर करवाया था, तो इसकी वजह से आई बाई फोर करंट इसके अंदर आ गई थी, इस डायरेक्शन में ए बी की तरफ आ गई थी। और जब हम इस करंट को आउटसाइड पढ़ रहे हैं, एग्जिट पढ़ रहे हैं कि ये करंट आई बाहर निकलेगी, तो उस टाइम पे आपने देखा कि यहां से जो करंट आई थी वो करंट कितनी होनी चाहिए, आई बाई फोर होनी चाहिए। इन दिस वे इस रेसिस्टेंस ए बी में जो करंट होनी चाहिए वो हो जाएगी आई बाई फोर प्लस आई बाई फोर एंड दैट कम्स आउट टू बी आई बाई टू। सिमेट्रिकली यहाँ पे हमें ए बी में जो करंट लेनी पड़ेगी
दो बार लेनी पड़ेगी, एक I by 4 जो इनपुट के लिए है और दूसरी I by 4 जो आउटपुट के लिए है। इन दिस वे इसमें जो करंट आएगी I by 2 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना करंट आपने इस सर्किट में फ्लो करवाया है, आपने टोटल कितना करंट फ्लो करवाया था, आपने I करंट इसके अंदर एंटर करवाया था, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर I करंट हमने इसके अंदर फ्लो करवाया था तो I by 2 करंट किस में आ गई है, AV में आ गई है। इसका मतलब जो रेस्ट ऑफ द सर्किट है, जो बचा हुआ इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास है, जो पूरे सर्किट इनफाइनाइट का जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है, इसमें भी करंट कितनी जाएगी, इसमें भी करंट आई बाई टू चली जाएगी। ये पॉइंट बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि देखो पूरी करंट इस सर्किट के अंदर कितनी जा रही है, इस सर्किट के अंदर पूरी करंट आई जा रही है। अब हमने ये चेक कर लिया कि इस ए से बी की तरफ जो करंट पास हो रही है, इस डायरेक्शन में जो करंट पास हो रही है ए से बी की तरफ, वो आई बाई टू है। हमने करंट कितना पास करवाया, आई। ये करंट कितना पास हुआ, आई पास हुआ। आई में से आधा करंट आई बाई टू कहां पास हो गया, ए बाई टू। इस आई में से आई बाई टू करंट जो हाफ करंट है वो ए से बी की तरफ फ्लो हो गया। इसका मतलब जो हाफ करंट इसका बचा हुआ है वो रेस्ट ऑफ द पूरे सर्किट में फ्लो हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस में पूरे सर्किट का लेके चल रहा हूं उसमें करंट कितनी हो जाएगी, आई बाई टू हो जाएगी। और हम बड़े अच्छी तरह से जानते हैं ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में होंगे, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे। और दोनों अगर पैरेलल में है तो दोनों में वोल्टेज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए। तो पीडी अक्रॉस देम शुड बी इक्वल हियर। देयरफॉर इसका मतलब अगर पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, I by 2 into R V is equal to IR, ये हो गया। एंड इज इक्वल टू उसमें भी कितना होना चाहिए, I by 2 into R equivalent आ जाना चाहिए हमारे पास। ये और AV सर्किट किसमें, पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होती है, वो किसके बराबर हो जाएगी, V के बराबर हो जाएगी। तो यहां से अगर हम चेक करते हैं, यहां से R equivalent की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, R आ गई है। जो फाइनल सर्किट हमारे पास बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, ये R रेजिस्टेंस तो ये हमारे पास A और B के बीच, और दूसरा क्या है हमारे पास, ये R equivalent, आपने जो रेस्ट ऑफ द सर्किट हमारे पास था उसको R equivalent आपने लिखा था, वो किसके बराबर आ गया, वो भी R के बराबर आ गया। इसका मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन R ए बी विल बी इक्वल टू, क्योंकि दोनों पैरेलल में आ गए, पैरेलल का फॉर्मूला हम जानते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारा फॉर्मूला होता है पैरेलल ग्रुपिंग का। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, R into R अपॉन R प्लस R, क्या हो जाएगा, 2R आ जाएगा। इन दिस वे यू गॉट द रेजिस्टेंस R ए बी इज इक्वल टू R बाई It is the concept.